आयुर्वेद समाधान को आप लोग आज ही सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों आज हम मिर्गी, हकलाना, अनियमित महावारी, ऑर्थराइटिस, साइटिका और स्टेमिना को ठीक करने के लिए अकर करा के फायदे बताने वाले हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें जिससे आप नए नए नुस्खे वहां देख सकें। चलिए बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मासिक धर्म की समस्याओं से निजात दिलाता है अकरकरा। मासिक धर्म या पीरियड्स के दौरान बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे मासिक धर्म के दौरान दर्द होना, अनियमित मासिक धर्म चक्र, मासिक धर्म के दौरान रक्तस्राव या ब्लीडिंग कम होना या ज़्यादा होना। इन सब में अकरकरा का घरेलू उपाय बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। अकरकरा मूल का काढ़ा बनाएं, 10 मिलीलीटर काढ़े में चुटकी भर हींग डालकर कुछ महीने सुबह शाम पीने से मासिक धर्म ठीक हो जाएगा। इससे मासिक धर्म के दिनों में होने वाले दर्द से भी छुटकारा मिलता है। बात करेंगे सेक्सुअल स्टेमिना बढ़ाने की। 20 ग्राम अकरकरा मूल को लेकर उसका चतुर्थांश क्वाथ बना लें। अब इस क्वाथ के साथ 10 ग्राम अकरकरा मूल को पीसकर पुरुष जननेन्द्रियों पर लेप करने से इंद्रिय शैथिल्यता का शमन होता है। लेप कुछ घंटों तक लगा रहने दें। लेप लगाते समय शिशन के ऊपरी भाग को छोड़कर लगाएं। बात करेंगे साइटिका के दर्द को कम करने की। अगर दिन भर बैठकर काम करने के कारण आपको कमर में दर्द है और उससे आप परेशान हो गए हैं तो अकरकरा के जड़ के चून को अखरोट के तेल में मिलाकर मालिश करने से साइटिका में लाभ होता है। बात करेंगे ऑर्थराइटिस की। आजकल ऑर्थराइटिस की समस्या उम्र देखकर नहीं आती। दिन भर एसी में रहने के कारण या बैठकर ज़्यादा काम करने के कारण किसी भी उम्र में इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं। इसे राहत पाने के लिए अकरकरा का इस्तेमाल कैसे करेंगे जरा देख लीजिए। अकरकरा की जड़ का पेस्ट या कल्क तथा काढ़े का लेप लगाने के बाद सिकाई करने से या उसे धोने से आमबात, गठिया, लकवा और नसों की कमजोरी में लाभ मिलता है। बात करेंगे खुजली की परेशानी को दूर करता है अकरकरा। आजकल के प्रदूषण भरे वातावरण में त्वचा संबंधी रोग होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। हर कोई किसी न किसी त्वचा संबंधी बीमारी से परेशान है। खुजली ऐसे ही रोगों में से एक है। अकरकरा खुजली के सब परेशानियों को कम करने में मदद करता है। भारतीय अकरकरा के 5 से 7 ग्राम पंचांग का काढ़ा बनाकर प्रभावित स्थान को धोने से खुजली या छाजन की समस्या खत्म हो जाती है। बात करेंगे अल्सर को कम करने के लिए। अकरकरा के मूल अर्क को घावों में या मूल को पाउडर कर घाव के ऊपर लगाने से घाव जल्दी भरता है और संक्रमण होने की संभावना नहीं रहती है। इसके अतिरिक्त अकरकरा के ताजे पत्ते और फूल को पीसकर लगाने से दाद, खाज और खुजली ठीक हो जाती है। बात करेंगे मिर्गी में फायदेमंद है अकरकरा। अकरकरा के मूल या जड़ को सिरके में पीसकर मधु मिलाकर 5 से 10 मिलीलीटर की मात्रा में चाटने से या ब्राह्मी के साथ अकरकरा की जड़ का काढ़ा बनाकर पिलाने से मिर्गी ठीक हो जाती है। बात करेंगे हकलाना को ठीक करता है अकरकरा। 2 भाग अकरकरा मूल चून, 1 भाग काली मिर्च और 3 भाग बहेड़ा छिलका लेकर पीस कर रखें। उसे 1-2 ग्राम की मात्रा में दिन में 2 से 3 बार शहद के साथ बच्चे को चटाने से टॉन्सिल में लाभ मिलता है। जिव्या पर मलने से जीभ का सूखापन और जड़ता दूर होकर हकलाना और तुतलाना कम हो जाता है। 4-6 हफ्तों तक अगर आप प्रयोग करते हैं तो इसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसकी सेवन की विधि है अकरकरा का, आप 10 से 20 मिलीलीटर रस का सेवन करें, आपको बहुत फायदा मिलेगा। दोस्तों आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान। और हाँ, हमारे नुस्खे जानने से पहले और उनको अपनाने से पहले आप अपने वैद्य की सलाह लेना बिल्कुल ना भूलें।